ये एकदम सिंपल सा फंडा है, ऐसा ही मैं अपने गोप्रो को वाटरप्रूफ करके नॉर्मली यूज करता हूँ रेनी सीजन। तो यार आज मुंबई में इतने दिनों के बाद में बारिश शुरू हुआ है, तो अभी मैं एक्चुअली उठा हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट वैक्सीन हुआ है, तो थोड़ा सा बॉडी जो है सुस्त सुस्त सा लग रहा है। बट यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैक्सीन जाके ले लो, पूरा सेफ है और बाकी तो सब बढ़िया है। और बारिश से मुझे कुछ याद आ गया कि मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई आपका गोप्रो वाटरप्रूफ कैसे है और आप कैसे ब्लॉगिंग करते हो बारिश में, और ऐसा मतलब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। उसमें से स्पेशली एक भाई ने भी मुझे मैसेज भी किया हुआ है कि इसके ऊपर वीडियो बना दो। सो आज ये वीडियो इसके ऊपर ही है कि आप अपने गोप्रो को वाटरप्रूफ कैसे कर सकते हो बारिश में यूज़ करने के लिए। तो बाकी सब तो बढ़िया है, तो नहाते धोते हैं फटाक से, फिर आपको मिलते हैं। वेलकम। तो भाई साहब नहा धो के हो चुका है और जो जो अपने को सामग्री चाहिए था जिससे मैं आप लोगों को बता सकूं कि वाटर प्रूफिंग करने के लिए आपको क्या क्या यूज़ करना है, सो वो सारी चीज़ें आ चुकी है। तो सबसे पहली चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है गोप्रो, जो कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको रखते हैं यहाँ साइड में। और एक चीज़ है ये, तो अगर आप ये देख सकते हो तो इसको नॉर्मली ब्लू टैग बोलते हैं। अगर आप किसी भी शॉप पे जाते हो स्टेशनरी, तो वहाँ पे बोलोगे कि आपको ब्लू टैग चाहिए तो आपको ये मिल जाएगा, जैसे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस का प्रॉब्लम हो रहा है। और राइट, तो यहाँ पे जैसे आप लोग ये देख सकते हो अंदर बहुत सारे टैग्स हैं, तो ये टैग यूज़ करके हम लोग गोप्रो को वाटर प्रूफ बनाने वाले हैं। तो फटाफट से बाकी प्रोसेस शुरू करते हैं, तो आप लोग एक सिनेमेटिक के ज़रिए देख लो, फिर आपको एक फाइनल ओवरव्यू बताता हूँ। और राइट, तो यहाँ पे इसको मैंने कर लिया है ओपन। तो ये नॉर्मली ओपन होने के बाद में आप इसको डायरेक्टली यहाँ से आप बाहर निकाल सकते हो, तो सिंपली आपको जस्ट बाहर खींच लेना है। तो उसके बाद आपको कुछ ऐसे पट्टी मिलती है, बहुत सारी, ढेर सारी, आप देख सकते हो अलग अलग मल्टी कलर में ढेर सारी पट्टी मिल जाती है। तो आपको ये पट्टी यूज़ करके अपने गोप्रो को वाटर प्रूफिंग करना है। तो अभी मैं इसको फिक्स करता हूँ, और ये वर्थ है क्योंकि आप इसको जब चाहिए तब निकाल भी सकते हो, ये एकदम परमानेंट फिक्स नहीं होता है, तो आपको जब चाहिए तब आप निकाल सकते हो। और क्या चाहिए लाइफ में, अभी शुरू करते हैं। तो पहले आपको दिखा दूँ, तो ये रहा गोप्रो का केसिंग जो मेरे पास है अभी। तो इसमें अपने को पहले गोप्रो को फिट कर लेना है, उसके बाद ही हम लोग इसको वाटर प्रूफिंग कर पाएंगे। तो पहले ये गोप्रो को ये केसिंग के अंदर लगा लो प्रॉपरली, राइट। तो फिर इसको यहाँ से भी पैक कर दो, आगे से इसका ढक्कन लगा दो। फिर आपको कुछ इस तरीके का सरफेस दिखेगा जहाँ पे ये जो है इसका माइक अडेप्टर है, जो कि एक इसमें लग जाता है और दूसरा ये खुला रहता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि बारिश के टाइम पे अगर पानी चला गया तो गोप्रो की वाट लग सकती है। तो पहले इसको लगा देते। तो नॉर्मली ये घूम के कुछ इस तरीके का लगता है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो ये कुछ इस तरीके का लगता है इसमें। और एक यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ज़्यादा गैप है, तो ये गैप से पानी जा सकता है। और सेकेंड थिंग, आपका इधर पर भी यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर ऑडियो जैक यहाँ पर चार्जिंग के लिए मिल जाता है। तो इसको भी हम लोग आज वाटरप्रूफ करेंगे और इस तरफ को भी वाटरप्रूफ करेंगे। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अभी मुझे देखना ये है कि ब्लैक कलर का गोप्रो पे कौन सा कलर ज़्यादा सही लगेगा। तो मेरे हिसाब से ये कलर थोड़ा सा ठीक रहेगा, तो ये कलर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये कलर को हम लोग निकाल लेते पहले। तो यहाँ पर नॉर्मली आपको इसको ऐसा निकाल लेना है सिंपली। ऑलराइट, तो ये निकालने के बाद में अभी ये हम लोगों को इसके हिसाब से यूज़ करना है और इसके हिसाब से यूज़ करना है। तो मेरे हिसाब से तो ये तो डायरेक्टली लग जाएगा यहाँ पे, तो इसके साइज़ का हम लोग इसको कट कर लेते हैं। और राइट, तो अपने पास कैंची भी है, तो इसको इसके साइज़ का कट कर लो। और राइट, तो ये इसके साइज़ का कट हो गया, इसको साइड में रख दो। फिर हम लोगों को देखना ये है कि इसमें क्या साइज़ लगेगा। तो इसमें मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है एक और ये दो पीस कट करना पड़ेगा, तो ये फटाफट से कट करके ले लेता हूँ मैं।
तो मैंने वो कट करने के बाद उसका एक ऐसा छोटा सा गोल बना लिया पूरा, जो कि हम लोग इसके अंदर इसको पूरा भरने वाले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ऐसे यहाँ पे लगा लेना है। सिंपली ये लगाने के बाद में आपको यहाँ पे पूरा पैसेज दिखता है, तो इसके अकॉर्डिंगली इसको जो है ऐसा मैनेज करना है कि ये ऐसा बैठ जाए इसमें। तो मैं इसको दो टुकड़े कर लेता हूँ पहले, तो इसको थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ, इसको और थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ। तो फर्स्ट अपने को यहाँ पे फिल करना है, तो यहाँ पे ऐसा रख के सिंपली अपने को नॉर्मल कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको ऐसा प्रेस कर लेना है यहाँ पे। ये प्रेस होने के बाद में ये यहाँ पे चारों तरफ से चिपक जाएगा अच्छी तरीके से, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हो, मैंने एक साइड का पूरा फिल कर दिया है, इसको नॉर्मल प्रॉपर एकदम फिक्स कर लेना है। ये फिल होने के बाद में ये जो बचा हुआ टुकड़ा है इसको इस तरफ से फिल कर लेना है। तो इसको नॉर्मल थोड़ा पतला कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा यूज़ होने वाला है इसमें। तो यहाँ पे इसको पूरे अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे ऐसे कर लेना। तो यहाँ से आपका जो है पूरी तरीके से ये पैक हो चुका है, अगर आप देख रहे हो तो। तो नॉर्मली ये यहाँ पे इसको अच्छे से प्रेस करते हुए, तो पूरी मेहनत करने के बाद में अपना ये GoPro का ये फाइनली पूरा हो चुका है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये इस तरफ में पूरा बढ़िया तरीके से प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग हो चुका है, और ऐसा ही सेम टू सेम इस तरफ में भी हो चुका है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो। तो ये आपको यूज़ करना है। अभी तो ये मैंने पूरा पैक कर दिया है, तो नॉर्मली कैसा है कि आप अभी इसको निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप ये लॉक खोलोगे बट ये ऑलरेडी फिक्स्ड है तो ये बाहर नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप अगर इसको यूज़ करना चाहते हो, बाहर निकालना चाहते हो, बैटरी बदलना चाहते हो, तो आपको ये गम भी निकालना पड़ेगा साथ में। एक्चुअली ये बहुत इजीली है, आप जैसे जैसे आप पुल करेंगे तो ये पूरा एक साथ बाहर आ जाता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और एक हिसाब से ये वाटर प्रूफिंग बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ किया है पर्सनली। तो ये एकदम सिंपल सा फंडा है, ऐसा ही मैं अपने GoPro को वाटर प्रूफ करके नॉर्मली यूज़ करता हूँ रेनी सीजन। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ कि ये GoPro को वाटरप्रूफिंग करने का जो मेरा तरीका था ये आप लोगों को पसंद आएगा। और मैंने इसका प्राइस आप लोगों को बताया नहीं था, तो ये 100 रुपीज़ 120 रुपीज़ के आसपास में आपको किसी भी स्टेशनरी पे मिल जाएगा। आपको बस जाके बोलना है कि मुझे ब्लू टैग चाहिए, तो ईजिली आपको मिल जाएगा कहीं पे भी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाटरप्रूफिंग का जो मैंने आज वीडियो बनाया है पर्सनली, कि मुझे ऐसा लगा बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है और डरते भी है कि GoPro ख़राब हो जाएगा। तो और एक सीक्रेट की बात आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने GoPro को विदाउट वाटर प्रूफिंग भी मैंने रेन में यूज़ किया है, मतलब रिस्क लेके किया था, बट कुछ हुआ नहीं, बस घर आके मुझे उसको थोड़ा सुखाना पड़ा था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। बाकी ऐसा रिस्क आप लोग कभी मत लो, आप लोग भी वाटर प्रूफिंग कर लो, उसके बाद में यूज़ करो रेन में, कोई टेंशन नहीं। वीडियो अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो विद दैट सेड, चलते हैं आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तो फिर टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। राम राम।